हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवानी स्टडी हब। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं और यहाँ पर आपके जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर के हैं 2025 के लिए, तो बात करें यहाँ पर कि माइनर सब्जेक्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है या आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, क्योंकि माइनर जो है एक इम्पॉर्टेंट होता है सभी यूजी कोर्सेज का, चाहे वो बीए का हो, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, बीसीए का, बैंकिंग, इंश्योरेंस का, मतलब जितने भी आपके यूजी कोर्सेज होते हैं उसमें आपको माइनर सब्जेक्ट जो लेना है वो कंपलसरी है। अगर आपने नहीं लिया तो फिर आपका यहाँ पर क्या है, क्योंकि जैसा मेजर पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वैसे माइनर भी इम्पॉर्टेंट है। तो माइनर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि मैम हम कौन सा सब्जेक्ट उसमें से चूज़ कर सकते हैं या कौन सा हमें माइनर में लेना चाहिए जिससे आगे चल के जो भी आप चूज़ कर रहे हो उससे सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल सकें। तो आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय से होती हैं, चाहे वो सेमेस्टर से, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से, एंट्रेंस एग्ज़ाम, सभी चीज़ों से वो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक जगह से पढ़ो, एक जगह से सिलेक्शन लो, एक जगह से सेमेस्टर एग्ज़ाम को टॉप करो, सारी की सारी चीज़ें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आपके माइनर जो कोर्सेज हैं वो आपको एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के नाम से उसको एक नाम दिया गया है। अब ये चीज़ें क्या हैं ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है। अब उसमें आपको कौन कौन से चूज़ करने, ये माइनर ही पेपर हैं। ठीक है, जैसा कि आपका मेजर इम्पॉर्टेंट है वैसे ही माइनर भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये जो पांच पेपर दिए गए हैं, ठीक है, पांच पेपर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में दिख रहा है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में, जिसका क्रेडिट 2 है, आपके कोर्स के नाम है नाथ पंथ एवं दर्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन, राष्ट्र गौरव, वैदिक गणित, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये पेपर कोड दिए गए। अब ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा हम ले सकते हैं। ठीक, तो सबसे बेस्ट अगर आपका रहेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंट्रोडक्शन टू रीड्यू, सबसे बेस्ट है। आप माइनर में ये चूज़ कर सकते हैं। आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे तो वहाँ पर एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में आपको एक चूज़ करना है, तो पाँचों में से आप एक कोई भी चूज़ कर सकते हो। राष्ट्र गौरव भी आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू रीड्यू आपका जो है इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज होगी, राष्ट्र गौरव है, नाथ पंथ है, तो इसमें से आप क्या है चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट है इंट्रोडक्शन टू रीड्यू आप इसमें से। वैसे अगर हम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स की बात करें तो ये आपका क्रेडिट 3 है और आपको टोटल इसमें 11 दिए गए हैं, 11 में से आप क्या चीज़ें ले सकते हो। जैसा कि अगर हम बात करें, मीडिया लेखन कौशल है, संस्कृत लेखन कौशल है, बेसिक अर्थमेटिक है, बेसिक अकाउंटिंग है। अब देखो इसमें से आप क्या ले सकते हो, कोई ऐसा अगर हम सजेस्ट करें, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग ले सकते हो। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग, और यहाँ पर दिया गया है कॉम, और यहाँ पर इसमें आगे दिया भी गया है, प्रपोज किया गया है हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग कॉलेज में अपने अकॉर्डिंग भी लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, जितने भी कैंपस वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से कौन सा हम सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिक अकाउंटिंग, अगर आप कॉमर्स के हैं तो ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप मीडिया लेखन कौशल है, क्योंकि जितने भी कैंपस वाले स्टूडेंट फॉर्म फिल किए हैं तो वहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करना है। बेसिक अकाउंटिंग आप इसमें से ले सकते हो। योगा ले सकते हो, क्योंकि योगा भी जो है ये एक आपका इम्पॉर्टेंट बनता है और ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो सामने दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो यूनिवर्सिटी क्या कर दिया कि आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप मान लो कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स वाले बेसिक अकाउंटिंग लेंगे, अगर वो आपका क्या है होम साइंस है तो आप बेकरी एंड कुकरी ले सकते हो, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर में बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं। जैसे कि अगर आप कॉमर्स के हैं तो आप फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग ले सकते हो, फिलॉसफी है तो योग दर्शन ले सकते हो, हिंदी के हो तो यहाँ पर पूरा दिया गया है आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको सारे सेमेस्टर एग्ज़ाम एंट्रेंस से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलती है। ठीक है,
तो ऐसा ना हो कि फिर मेरे वीडियो बनाने का या मेरे चैनल का कोई मतलब नहीं, अगर आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्वेरी सॉल्व ना हो या चीज़ें आप तक पहुँच ना पाएँ। तो बिल्कुल हमारी कोशिश यही रहेगी, जिस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए या आपको कोई भी समस्या आ रही है तो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर स्किल एनहेंसमेंट में देख सकते हैं आप। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड सेमेस्टर में भी, तो आपके थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर दिया गया हुआ है यहाँ पर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा हर एक बार नई नई चीज़ें यहाँ पर लागू कर दी गई हैं। समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में भी समस्या आ रही है तो उस रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड की हूँ, ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो को हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट आती है और आप ही लोग की डिमांड पर वो वीडियो रहती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, सेमेस्टर ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। आगे आपका दिया गया है यहाँ पे हिंदी हो गया, बॉटनी जो आपको लेना है, तो यही इसको लेके मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मानने आपको सब्जेक्ट क्या लेने हैं, कैसे चूज़ करने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और कौन सा सही रहेगा तो आप ले सकते हो। जैसे कि आप बी कॉम के हो तो भाई बी कॉम वाले उनके अगर फील्ड से रिलेटेड है तो आप ले सकते हो, ठीक। योगा वगैरह मतलब ऑप्शंस में आप बहुत सारे हैं, क्योंकि माइनर में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जिसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यही आई थिंक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके अलावा कोई भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने बैच में इनरोल नहीं हुआ है तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स बैच में इनरोल हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, सारी की सारी जानकारी आपको इस कोर्स में प्रोवाइड की जाएगी। बस करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर है 8896914354 पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर के, कोई भी कोर्स है आपका, यूजी पीजी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बैंकिंग इंश्योरेंस है, एमएमएससी एमकॉम एमबीए, सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होंगे और आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि यूजी पीजी में आएंगे और यूजी में आपके एमसीक्यू आएंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी तक आपने नहीं इनरोल किया तो बिल्कुल कर लो भाई, टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो सेमेस्टर एग्ज़ाम है आपका, जो पेपर है ओवरऑल जो लेवल होता है हाई टू मॉडरेट रहता है, और बिना पढ़े अगर आप टॉप करना चाहते हैं मतलब यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक। तो ऐसा ना हो कि आप उन स्टूडेंट्स से पीछे हो जाओ, तो बिल्कुल हमारा हर साल ये कोर्स आपके लिए आता है स्पेशली, तो बिल्कुल ओके। कोई भी डाउट हो